अपने दोस्तों ने जो मैं पहले तो कह दूं नफरत के जो पुजारी है उनसे कह दूं कि मेरे सारे हिंदू दोस्त मेरे बिना होली नहीं मनाते, मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूं, और कलर हम लोगों में अलाउड नहीं है, फिर भी ये प्यार का रंग है मेरे दोस्तों के लिए लगाया है मैंने। होली और दिवाली और ईद ये सब त्यौहार में हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें अलग करने की कोशिश मत करो क्योंकि हम कभी अलग नहीं हो सकते। अंग्रेज थक गए, तुम क्या कर लोगे यार। मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड है साजन अग्रवाल, मेरा दोस्त है, साजन को बुलाना जल्दी। ये डायरेक्टर के साथ अभी मैंने एक फिल्म किया कॉन्ट्रैक्ट किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर फिल्म किया हूँ साजन के साथ मैंने, और साजन ने उल्लू ऐप के लिए सबसे बड़ी वेब सीरीज मोना डार्लिंग बनाई है जो कंगना के साथ। आइए सर, ये उल्लू ऐप के मालिक हैं और ये साजन है मेरा दोस्त। अभी शायद हम लोग एक वेब सीरीज साथ करने वाले हैं और मुझे उल्लू ऐप बहुत अच्छा लगता है और मोना डार्लिंग इन्होंने बनाई माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज। तो ये हमारी, ये देखिए, ये हमारी दोस्ती है, ये हमारी मोहब्बत है। तो नफरत फैलाने वालों 100 बार सोच लेना कि मोहब्बत का जो रंग है ना, ये मोहब्बत का जो रंग है ये इतना गहरा है, एक बार लग गया कभी निकलता नहीं है। मैं फैंस को ये कहूंगा कि सेफ होली खेलिए, दारू पी के गाड़ी मत चलाइए, आप लोग लड़कियों को मोलेस्ट मत करिए होली के बहाने से, और आप लोग आपस में इत्तेफाकी ना रखिए ना इत्तेफाकी, अच्छे से होली खेलिए, प्यार से खेलिए, और रंगों का इस्तेमाल मोहब्बत के लिए कीजिए, नफरत के लिए मत कीजिए। देखिए, मैं तो लगता है बहुत जल्दी आ गई हूँ, धमाके तो आगे होंगे, और होली के दिन किसी भी तरह का धमाका हो सकता है, ये कभी बोला ही नहीं जा सकता क्या होगा। वो पीक जब पहुंचती है ना रंगों में, तब पता होता है कि क्या होगा। और ये त्योहार एक ऐसा है कि सबको ही मालूम है कि आज के दिन सब इतने खो जाते हैं रंगों में, और ये रंगों का ही कमाल है। होली एक ऐसा त्योहार है कि जो सबको मतलब पागल कर देता है, लिटरली बोले तो उल्लू बना देता है। फेस्टिवल की खासियत यही है कि ये एक ऐसा त्यौहार है कि कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, फिर भी सब एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, रंग खेलते हैं, और मतलब ये एक ऐसा त्यौहार है कि आप नहीं भी जानते फिर भी किसी के साथ कुछ भी पंगा ले लेते हैं, कोई आज के दिन बुरा नहीं मनाता। फैंस से क्या कहना चाहेंगे, फैंस तो बेचारे होली है बट कुछ लोग खेल नहीं पा रहे डर के मारे। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगी सब फैंस को, यही बोलूंगी कि मत डरिए, मौत तो एक दिन आनी है। अगर जिंदगी में खुदा ने लिखा है कि हम कोरोना वायरस से मरेंगे तो मरेंगे ना यार। जितने दिन मतलब बंदिश में नहीं बनते कि बिल्कुल ही बैन हो जाए, तब तक तो जी लें सब। आज के दिन कई लोग इस वजह से नहीं निकल रहे हैं कि अरे मना करा होली, अरे कुछ नहीं होता यार होली में। मैं तो ये बोलना चाहूंगी होली के रंगों के पास कोई वायरस नहीं आएगा, वो खुद डर के भाग जाता है कि अरे भैया मुझे ना कहीं परेशान कर दूं, और सब चलता है, बाकी मस्त रहिए। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा कोई डर अपने अंदर मत बिठाइए प्लीज, और बस प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप कोई त्योहार मनाने से डरने लग जाए। सो प्लीज मेरी तरफ से सभी दर्शकों को हैप्पी होली, और इंजॉय कीजिए आज के दिन। मैम डांस हो जाए थोड़ा। अरे बाप रे, नहीं नहीं वो तो फिर किसी को, देखिए एलन वाली तो एंट्री वापस, अभी मैं जा रही हूँ, आऊंगी तब मैं डांस करूंगी, आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।